वेलकम टू द लॉजिकल टॉक। आप सब ने कभी ना कभी टीवी में, फिल्मों में या फिर असलियत में ऑक्सीजन मास्क का यूज़ देखा ही होगा। ऑक्सीजन मास्क का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, एरोप्लेन्स में, जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है उनको ऑक्सीजन देने के लिए। और ऑक्सीजन मास्क का यूज़ वो लोग भी करते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर एयर का प्रेशर कम होता है जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। हम सबको पता है हम सांस इसीलिए लेते हैं ताकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन गैस जा सके जिससे हम जिंदा रह सकें। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं उनसे जो लोगों को हवा दी जाती है, क्या वो 100% प्योर ऑक्सीजन होती है? और क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ऑक्सीजन मास्क से 100% प्योर ऑक्सीजन दी जाएगी तो उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाएगी जिसको भी वो ऑक्सीजन गैस दी जाएगी ऑक्सीजन मास्क से। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं उनसे प्योर 100% ऑक्सीजन गैस नहीं दी जाती है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, पर ऐसा क्यों होता है? और क्यों इंसान की मौत हो जाएगी अगर उसे 100% प्योर ऑक्सीजन दे दी जाएगी? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। जब हम नॉर्मल कंडीशन में सांस लेते हैं तब जो हम हवा लेते हैं अपने शरीर के अंदर उसमें कई सारी गैसेस मिली होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसमें से हमारा शरीर सिर्फ ऑक्सीजन गैस का यूज़ करता है एनर्जी को बनाने में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है। अब हमारी बॉडी में ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये जो सांस लेने की प्रोसेस है, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जैसा माहौल है, जैसा एनवायरमेंट है, उनको डिटेक्ट करके हमारी बॉडी को ये बताते हैं कि अब इस शरीर को सांस लेने की जरूरत है। तो जब हम नॉर्मल कंडीशन में सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऐसा एनवायरमेंट होता है जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनको ऐसा लगे कि इस शरीर को सांस लेने की जरूरत है, इसीलिए हम 24 घंटे सांस लेते रहते हैं बिना कोई एफर्ट डाले। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी में ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पता कैसे लगाते हैं कि किसी भी शरीर को सांस लेने की जरूरत है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने की ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन का कोई इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। हमारी सांस लेने की प्रोसेस में सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमारी बॉडी में दो जगह रिसेप्टर्स होते हैं जो बॉडी की रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, यानी कि ये जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस है उसको रेगुलेट करते हैं। तो जो पहले रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे लंग्स में, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में, जो तभी काम करते हैं जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 60 mmHg से कम हो जाता है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन मास्क से लोगों को 100% प्योर ऑक्सीजन दी जाएगी तो हमारी बॉडी में ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा और ना ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। तो हमारी बॉडी सांस लेने की प्रोसेस को रेगुलेट नहीं करेगी और इंसान सांस नहीं लेगा जिससे वो इंसान मर जाएगा। अब जो दूसरे रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्रेन के निचले वाले हिस्से में होते हैं। जो पहले रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में लंग्स में होते हैं उनको हम पेरिफेरल रिसेप्टर्स बोलते हैं, और ये जो सेकंड टाइप के रिसेप्टर हैं इनको हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इनको कोई मतलब नहीं है कि हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है, इस चीज़ से सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स को कोई मतलब नहीं होता है। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स तभी काम करते हैं जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। अब इसका मतलब ये निकलता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कितना है इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है हमारी बॉडी को, बल्कि हमारी बॉडी को इस चीज़ से मतलब है कि हमारी बॉडी में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन मास्क से सिर्फ 100% प्योर ऑक्सीजन दी जाएगी तो उस इंसान की बॉडी में जो भी रिसेप्टर होंगे जो सांस लेने की प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं वो काम नहीं करेंगे और वो इंसान सांस नहीं लेगा, उसकी बॉडी सांस लेने से मना कर देगी और वो इंसान वहीं पे मर जाएगा। मतलब कि जो ऑक्सीजन मास्क लोगों को लगाया जाता है उसमें मिक्स गैसेस दी जाती हैं जिससे उस इंसान की बॉडी को लगे कि इस बॉडी को सांस लेने की जरूरत है और जो सांस लेने की प्रोसेस है वो रेगुलेट होती रहे। तो अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है, अगर आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कॉमेंट में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको जानना है कि क्या होता अगर इस ब्रह्मांड में ग्रेविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो आप इस वीडियो को देखें। और अगर आप किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं और अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है इससे आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।